आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में ही काफी डेंजरस बवाल देखने को मिला, जहां पे पूरी तरह से तोड़ के रख देते हैं कॉडी रोड, सैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस पूरे ब्लडलाइन को, और वहां से भागने भी लगते हैं शोलो शिकवा का पूरा ग्रुप। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बोलूं तो स्टार्टिंग में ये देखने को मिलता है कि शोलो शिकवा कार से आ रहे होते हैं, और कार से आने के बाद ही वहां पे पॉल हेमन खड़े होते हैं और पॉल हेमन पूछते हैं कि शोलो शिकवा जैको फाटू किधर है, और शोलो शिकवा और पॉल हेमन को इग्नोर करके स्टेज पे आ जाते हैं। स्टेज पे आने के बाद ही वहां देखने को मिलता है कि पूरा ब्लडलाइन स्टेज पे है, वहीं पीछे से केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए उन लोगों के ऊपर, और आते ही 6 सुपर शार्क के बीच बवाल देखने को मिलता है और सब एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस तो केविन ओवेंस है, केविन ओवेंस तो टांगा टोंगा को फैंस के सामने ही मारते हुए नजर आए, और केविन ओवेंस तो डेंजरस तरीके से टांगा टोंगा पर अटैक किए जा रहे थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ कॉडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन भी काफी ज्यादा एग्रेसिव थे, वो शोलो शिकवा और टांगा टोंगा को रिंग में रहने ही नहीं देते, लग रहा था कि कितने सालों से गुस्सा है तीनों सुपर शार ब्लडलाइन के ऊपर। इन लोगों का ब्रॉल ऑल भी डेंजरस हो जाता है। उसके बाद ही वहाँ पे निक ऑल्डिस आ जाते हैं अपनी सिक्योरिटी लेकर। निक ऑल्डिस आते ही दोनों टीमों को अलग करने की कोशिश करती है, इनफैक्ट उनकी सिक्योरिटीज भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब सिक्योरिटी चारों तरफ से केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स को घेर लेते हैं, और ये छोटू सा ब्लडलाइन वहां से भागने लगता है, बट गाइस यहां पे जैको फाटू नहीं थे। निक ऑल्डिस तीनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट तीनों इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि वो सुन ही नहीं रहे थे, और रैंडी ऑर्टन इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ही अपना आरक्यू लगा देते हैं, और फिर सिक्योरिटी गार्ड सब आ जाते हैं वहां पे, तो रैंडी ऑर्टन सबको मार मार के हालत खराब कर दिए, बट लास्ट कॉडी रोड्स भी रुकते नहीं है, वो अपना क्रॉस शॉट्स लगा देते हैं एक सिक्योरिटी के ऊपर। लिटरली इन 6 सुपर शार का बवाल बहुत मजेदार था, और ब्रॉल के साथ ही केविन ओवेंस के हाथ में माइक आ जाता है और केविन ओवेंस बोलने लगते हैं, स्पेशली केविन ओवेंस ब्लडलाइन को टारगेट करके बोलते हैं कि आपको लगता है कि हम मनी इन द बैंक तक रुकने वाले हैं, तो आप मूर्ख हो, हम वहां तक नहीं रुकेंगे, हम अभी अटैक करेंगे। और फिर रैंडी ऑर्टन भी माइक ले लेते हैं और वो बोलते हैं ब्लडलाइन की वजह से मैं 18 महीने रिंग से दूर रहा हूं, अब हम तीनों सुपरस्टार मिलकर ब्लडलाइन की पूरी हालत खराब करने वाले, एक एक सुपरस्टार को नहीं छोड़ेंगे। और फिर लास्ट में कॉडी रोड्स भी माइक ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे साथ रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस जैसे बड़े सुपरस्टार है, तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। और लास्ट में कॉडी रोड्स ये भी बोलते हैं आप लोग कुछ भी करो, बट मैं अपना चैंपियनशिप डिफेंड करके रहूंगा यहाँ पे। देन उसके बाद कॉडी रोड्स तो टारगेट करते हैं हमारे ट्राइवल शिप के भी ऊपर, वो बोलते हैं कि मैं आप लोगों को मनी इन द बैंक में देख लूंगा, क्योंकि आप लोगों के ग्रुप में ना मुझे कोई फाइनल बॉस दिख रहा है, ना कोई ट्राइवल शिप दिख रहा है जो रोकेगा। गाइस सीरियसली इतना बोलने के बाद ही निक ऑल्डिस पुलिस के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। पुलिस को देखते ही कॉडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस शांत हो गए थोड़ा बहुत, फालतू का इन तीनों को अरेस्ट होना पड़ता है, इस वजह से तीनों सुपरस्टार शांति से वहां से चले जाते हैं बैकस्टेज। इनफैक्ट बैकस्टेज में निक ऑल्डिस लेके जाते हैं, जब तक उन्हें कार में नहीं बैठाते तब तक निक ऑल्डिस को शांति नहीं मिलती है। तीनों सुपरस्टार आज के स्मैकडाउन से जा चुके हैं। वैसे गाइस लिटरली इन 6 सुपरस्टार का ब्रॉल देख के काफी मजा आया, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।